5 मिनट खड़ा रह के शूज़ पहन रहा था, हालत ख़राब हो गई गर्मी से मेरी। आज बहुत लेट हो गया यार, संडे राइड करनी है, 10:51 हो गए, मतलब 11 बज गए ऑलमोस्ट। एंगल देखो कैसा है, ठीक है। आज इतना हल्का हल्का लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने राइडिंग जैकेट नहीं पहना, नॉर्मल सा मेरा जैकेट पहना है, क्योंकि ना गर्मी बहुत है। और अभी जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, मैं जा रहा हूँ मानस मंदिर शाहपुर में, और मुरबाड़ यहाँ से अभी जस्ट 40 किलोमीटर में आएगा, मतलब मुंबई से मुरबाड़ हार्डली 55 किलोमीटर पे है। और फंडा ऐसा है कि वहाँ पे जैकेट लेऊँगा तो फिर पहन के ऑब्वियसली गर्मी होगी, और उतर के फिर उसको रखूँगा कहाँ। इससे जब फिर सोचा चलो यार यही पहन के जाते हैं, आराम से हल्का फुल्का भी लग रहा है। मोटो व्लॉग करते करते एक ऐसा सेटअप बनाना चाहिए बाइक पर, साइड बिजनेस हो जाएगा। मैं इसको संडे ब्रेकफास्ट राइड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 11:05 हो गए। ब्रेकफास्ट राइड सुबह सुबह की रहती है, और सुबह सुबह मुझे निकलने हुआ नहीं, ऑलमोस्ट अपने को 11:30 बज गए। लंच राइड हो गई अपनी, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से अभी मानस मंदिर, जो कि काफ़ी कूल प्लेस है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे वो लोकेशन दिया था कि आप यहाँ पे आके वीडियो बना सकते हो, काफ़ी अच्छे लोकेशन है, लेकिन 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 वहाँ पे शायद से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अपना झोल झपाटे से जैसा होएगा ना वैसा वीडियो बनाएंगे। ये है मुरबाड़, और अभी मुरबाड़ से मुझे जाना है शाहपुर। एक्चुअली आप नासिक हाईवे पकड़ के भी आ सकते हो, मतलब जो मानस मंदिर है वो बेसिकली आसनगांव में है, तो आसनगांव जाने के लिए आप मुंबई नासिक हाईवे पकड़ के भी आ सकते हो। मैं थोड़ा अंदर से आया हूँ तो फिर मुझे ये रूट सही था, मुरबाड़, और मुरबाड़ से अभी यहाँ से लूँगा लेफ्ट शाहपुर के लिए, देन शाहपुर से आसनगांव नज़दीक ही है, मतलब शाहपुर आसनगांव में ही आता है। तो वाटर ब्रेक के लिए रुका था, बड़ी प्यास लगी थी 12 बजने को, और धूप इतनी तेज़ है कि हालत ख़राब हो जाती है। और जिन लोगों को नहीं पता, या फिर जो लोग मेरे चैनल पे नए नए हैं, उनको बता दूँ कि मैं यूज़ करता हूँ हीरो के एक्सट्रीम 200R। भाई बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना इसको। हालांकि अभी डिसकंटिन्यूड है, बट भाई बाइक ज़बरदस्त है। किसी के भी पास हो ना और किसी ने अच्छी खासी राइड या फिर अच्छा एक्सपीरियंस हो ना ये बाइक के साथ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना भाई ये बाइक के बारे में, क्योंकि मुझे तो बड़ा पसंद है। और मैंने जिस तरह से मॉडिफाई की है ना, मिनी टाइगर लग रही है, क्या बोलते हो, है कि नहीं। 12:50, और अभी मैं शाहपुर पहुँचा, और ये जो ऊपर का हाईवे ये पकड़ के मुझे जाना है आसनगांव। अरे यार क्या स्पीड ब्रेकर था। सो एक छोटा सा एक लेफ्ट टर्न जाता है मानस मंदिरम की तरफ, तो वो मिस मत कर देना। पार्किंग बाहर ही है, तो ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पे आपको आपका आईडी कार्ड, जैसे कि पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड शो करना होगा। आप हेलमेट वगैरह भी वहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी भजन कीर्तन चल रहा है। जो मैं आया हूँ ना, ये है मानस मंदिर, और आसनगांव के जस्ट नज़दीक ही है, जो हाईवे है मुंबई नासिक उसके नज़दीक है। और आसनगांव स्टेशन से आओगे तो हार्डली 5 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आओगे ना, एक पीसफुल क्लाइमेट है, मतलब आपको शांति मिलेगी, काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे, तो छाया वगैरह आप यहाँ पे चिल कर सकते हो बैठ के। और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट भजन चल रहा था वहाँ पे। यहाँ पे जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना हो सके उतना मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो अपने स्टेप्स देखे, उसमें हर एक स्टेप पे एक छोटा छोटा मंदिर बना है, और हर एक मंदिर में देवी की मूर्ति है, काफ़ी मस्त लग रही थी वो। और अभी मैं जा रहा हूँ मेन मंदिर की तरफ, मेरे यहाँ पर भी मंदिर है, और जो मंदिर में अभी आप थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसमें अगर कोई लेडीज जाती है तो दुपट्टा कैरी करना कंपलसरी है। ये जो है ये सबसे मेन मंदिर है मानस मंदिर। यहाँ पे लाल कपड़ों में नारियल बांध के रखे हैं, दान पेटी में आप 30 रुपये डाल के यहाँ से कोई भी एक उठा के, ये जो सामने वट वृक्ष है आप इसको बांधोगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, ऐसे यहाँ के लोग मानते हैं। और इसी वट वृक्ष पे बहुत सारे सांप भी हैं, आपका अगर दिन अच्छा हो या फिर आप लकी हो तो आपको ये सांप दिख जाएंगे। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा दिखा था, लेकिन कैमरा शुरू करने से पहले ही वो अंदर चला गया। ये है पूरा मानस मंदिर, यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी कुछ टेंपल्स हैं, काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है ये। और वो दूर आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो है मावली फोर्ट। अगर
अगर यहाँ पे घूमने ना तो पानी की बॉटल कैरी करो, और ख़त्म होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं, जगह जगह पानी के स्टॉल है तो पानी का कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, अभी आज अभी 1:30 बज गया, गर्मी सर के ऊपर चढ़ी है। ये वो एंट्रेंस, टू व्हीलर होगी आपकी तो बाहर ही पार्क रहेगी, फोर व्हीलर होगी तो आप अंदर पार्क कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। आपको भी अगर मानस टेंपल विजिट करना है तो बाय व्हीकल जा सकते हो, अगर ट्रेन से जाओगे तो फिर आसनगांव उतर के आप बाय ऑटो भी चले जा सकते हो। लेकिन हाँ, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है ऑब्वियसली, तो फिर आप जस्ट घूम के वगैरह आ सकते हो। मैंने कुछ थोड़ा बहुत शूट किया जो मैंने आपको अभी दिखाया, खास कुछ शूट कर नहीं पाया, इसके लिए वीडियो इतना बड़ा भी नहीं बना। वाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत करके भाई वीडियो बनाए तो लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ भी ये वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना।